नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। नाबालिग किशोरी को लेकर आरोपी हुआ फरार, शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत लेकिन आरोपी युवक समेत किशोरी का पुलिस नहीं लगा पाई सुराग। पूरा मामला कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर गाँव का है, जहाँ 4 सितम्बर सुबह नाबालिग 14 वर्षीय किशोरी को MP छतरपुर निवासी युवक जाहिद पुत्र शहीद लेकर फरार हो गया। जानकारी मिलने पर किशोरी के पीड़ित माता पिता ने कोतवाली भोगनीपुर में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई, जहां भोगनीपुर कोतवाल अंजन कुमार ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 137-287 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए बहुत ही जल्द आरोपी युवक समेत किशोरी को बरामद करने की बात कही है। आइए देखिए इस मामले को लेकर किशोरी के पीड़ित माता पिता ने मीडिया कैमरे में क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। यूपी में लगातार लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में हो रहे अपराधों की कड़ी में एक और अपराध आज थाना भोगनीपुर क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर गांव में देखने को मिला है, जहां थाना भोगनीपुर में ये पीड़ित परिवार पीछे खड़ा हुआ है। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि इनकी लड़की, उसकी उम्र 14 साल है, उसका अपहरण कर लिया गया है। इसी मामले में आज हम श्याम सुंदरपुर गांव आए हैं और पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत किया है, लेकिन लड़की या आरोपी लड़का अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लड़की के लगभग 3 दिन अपहरण के बताया जा रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं। इसी क्रम को लेकर आज पीड़ित परिवार से बात करेंगे। देख रहे हैं कि यूपी में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं महिलाओं बच्चियों के साथ नजर आ रही हैं और पूरा परिवार दहशत के साए में है। आरोपी लड़का जो गांव में किसी के सहयोग से बताया जा रहा आता था और उनकी लड़की का अपहरण करके ले गया है या फुसला कर भगा ले गया है, इसी क्रम में बात करते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है आपकी बेटी के साथ? अरे, हमारे बेटी के साथ वो अपहरण हुआ। अपहरण हुआ, किसने किया, किस तारीख को किया? 4 तारीख को हुआ, सुबह 3 बजे के टाइम पे। तो अपहरण किसने किया है? जाहिद ने। कहाँ का रहने वाला है? छतर, ईसा नगर। ईसा नगर, जिला कौन सा पड़ता है? छतरपुर। छतरपुर में जी सर। तो कैसे आपको पता चला कि इन लोगों ने अपहरण कर लिया? ये मुबारक नाम का लड़का है, उसके कदौरा का है, वो जिला जालौन का, उसके सिफारिश से ये अपहरण हुआ है। तो जिसकी शिकायत आपने पुलिस से की क्या? जी सर की। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई रिपोर्ट किया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर दिया, पुलिस सहयोग तो कर रही है? तो सहयोग क्या किया, लेके गए पुलिस वहाँ, कोई ना माँ को, ना बहन को, ना भाई, किसी को पकड़ के लाए नहीं पाए। तो आरोपी लड़का जब नहीं मिला होगा तो पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा, तभी तो एक को तो लाना ही था। भैया आप बताएं कि वो लड़की आपकी कौन है रिश्ते में? ये मेरी भतीजी है सर। क्या घटना हुई थी? ये 4 तारीख की घटना है, सुबह 3 बजे के लगभग का बताया जा रहा है और आज ये लगभग 3-4 दिन होने को है। FIR भी की गई है, लेकिन FIR पे कोई खास कार्रवाई होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि मैं खुद पुलिस के साथ गया था वहाँ ईसा नगर, जहाँ का लड़का वो ले गया है। वहाँ की पुलिस, जो लोकल पुलिस है, वो भी अब उन्हीं की भाषा बोल रही है। वो हमको उल्टा धमका रही है पुलिस कि अगर आप कोई विवाद करेंगे वहाँ पे तो हम आपके ऊपर FIR और आपके ऊपर मुकदमा लिख देंगे। लेकिन आपके साथ तो आपकी लोकल थाना पुलिस गई थी? लोकल थाना पुलिस भी गई थी, वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी, वो हम लोगों को छोड़ करके पुलिस तुरंत वापस लौट आई। उनके जहन में एक ही बात है, अभी तक हमें कोई ऐसा जानकारी भी नहीं मिल रही है, कोई लोकेशन भी नहीं मिल रही है। वो लड़का पहले से शादीशुदा है, वो बड़ा एक नंबर का फ्रॉड है वो लड़का। और आए दिन यूपी में इतनी घटनाएं होती हैं बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, कहीं ऐसी अनहोनी ना हो, इस चीज़ की हमें बड़ी पुरजोर जो है आशंका है। अच्छा, और पुलिस प्रशासन जो है जैसा सहयोग हमारा करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रही है। बिटिया की उम्र कितनी थी? बिटिया की उम्र लगभग 14-15 के लगभग बताया जा रहा है। 14-15। अच्छा, क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ में? हमारी बेटी के साथ अपहरण किया गया है। किसने किया? ईसा नगर के लड़कों ने, जाहिद अली ने। ये कहाँ रहने वाला था? ईसा नगर का। ईसा नगर कहाँ पड़ता है? ये MP में पड़ता है। अच्छा, किस तारीख को घटना हुई थी ये? 4 तारीख को। 4 तारीख को कितने बजे के आसपास? सुबह के 3 बजे के लमसम हुई है ये घटना। अच्छा, तो आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि बेटी का अपहरण हो गया? हमें पता चला है कि एक लड़का है कदौरा का, मुबारक नाम का, वो यहाँ आता जाता रहा उस लड़के को लेकर। तो उसके यहाँ पे हमारे मोहल्ले में है ससुराल, तो उसके ससुराल के हिसाब से समझिए सब हमें जानकारी हो नहीं पाई है और उसी के सर्किट से वो लड़की ले गया है।
मतलब जो मुबारक नाम का व्यक्ति था हाँ, उसके सहयोग से गई है हमारी। अरे थाने में शिकायत की इसकी आपने? थाने में शिकायत की लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है लेकिन उसको किसी को पकड़ के नहीं लाए हैं। जानकारी मिली है अभी कि पुलिस वहाँ पर गई थी, आरोपी घर में गई थी, तो किसी को लेकर नहीं आए। तो वहाँ आरोपी लड़का मिला? लड़का नहीं मिला लेकिन उसके माँ भाई भाभी बहन सब मिले लेकिन किसी को पुलिस ने अभी तक थाने में नहीं लाए हैं।